माननीय उपराज्यपाल की तरफ से कल एक आदेश जारी किया गया था जिसमें कोरोना वायरस की चेन को रोकने के लिए बहुत बड़ा निर्देश आदेश जो है वो जारी किया गया था, स्टेप उठाया गया था जिसमें केवल 50% दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद जो है इसको कैटेगरी वाइज जो है डिप्टी कमिश्नर जम्मू की तरफ से जो बताया गया कि कौन कौन सी दुकानें किस किस दिन खुली जाएंगी, जिसके चलते आज आपको ये हम विजुअल्स जम्मू शहर के दिखा रहे हैं जिनमें कई दुकानों को जो है बंद रखा गया है और जो पुलिस डिपार्टमेंट है जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जो दुकानों को कैटेगरी वाइज यहाँ पर आदेश जारी किया गया उनको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए सुनिए सुनिए, सभी दुकानदारों से अपील की जाती है कि डीएम साहब के ऑर्डर के मुताबिक ही दुकानें खोलें। जो अपनी मर्जी से दुकान खोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सुनिए यहाँ पर अनाउंसमेंट करके कहने के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किन दुकानों के बारे में जो आज बताया गया, सोम बुधवार और शुक्रवार को एक कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया, मंगल वीर और शनिवार को दूसरी कैटेगरी में। हालांकि इसकी पूरी लिस्ट जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप सब तक अपडेट कर दी गई है, उस पर आप जाकर हमारे पेज पर टेक वन डिजिटल नेटवर्क के पेज पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं कि किन किन दुकानों को किन किन दिन खुलने की जो अनुमति दी गई। फिलहाल यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ कई शटर जो हैं वो बंद नज़र आ रहे हैं और कई शटर जो हैं वो खुले नज़र आ रहे हैं। हाल इसी से ये चीज़ प्रतीक होती है कि जो 50% दुकानें खुलने की अनुमति है इसको जो लोग कहीं ना कहीं फॉलो करते नज़र आ रहे हैं और जो लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेज हैं जिनकी जिम्मेवारी बनती है, दायित्व बनता है, वो कहीं ना कहीं इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाते हुए शहर के अंदर नज़र आ रहे हैं। कुछ शटर बंद हैं यहाँ पर, कुछ शटर खुले हैं। ये वो शटर बंद हैं जिनको आज अनुमति नहीं दी गई है 50% के अंदर जो फॉल करते हैं दुकानें खोलने की, और जो खुले हैं ये वो दुकानें हैं जिनको आज अनुमति दी गई है। तो इसी तरह और भी कई निर्देश जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है जारी किए गए हैं। कहीं ना कहीं एक प्रयास जो है एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का, सबका यही है कि जो कोरोना वायरस की सेकेंड स्ट्रेन है इस स्ट्रेन को किसी ना किसी तरीके से रोका जाए, तोड़ा जाए। उसी के मद्देनज़र ये सब जो ऑर्डर हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दायित्व जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है वह हम सब लोगों का, आम आदमी का, दुकानदारों का भी बनता है कि जो रिस्ट्रिक्शंस, जो गाइडलाइंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बताई जा रही है उनको कहीं ना कहीं हम अपने लेवल पर फॉलो करें। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। अच्छा यार, इसमें जो किया ठीक है, कोरोना से बचाने के लिए हमको ये चीज़ जरूरी थी। बाकी दुकानदारों से क्या अपील करें? सब कुछ है, क्या कहना चाहेंगे, फॉलो करें हम कहें सब सब कुछ चाहिए। जो चीज़ गवर्नमेंट जो किया उसका पालन जरूर करना चाहिए, जिससे हम अपना बचा है, बीमारी से बचा, सब कुछ बचा। गवर्नमेंट फैसले के बहुत अच्छा। और जो दुकानदार हैं बाकी उनके लिए बहुत थोड़ी दिक्कत तो आनी पड़ी है सभी को, वो अपने को बचाने के लिए वो करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है 50% दुकानें खोलने के लिए कोरोना वायरस की चेन को रोकने के लिए। बहुत अच्छा जी, देखते हैं ऑर्डर। बहुत बढ़िया ऑर्डर है जी, बहुत बढ़िया ऑर्डर है, बहुत अच्छा है ऑर्डर। क्या कहना चाहेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन? ठीक, जो भी हो रहा है ठीक है, जो गवर्नमेंट कर रही है वो अच्छा ही कर रही है। कितना ताबून देंगे अपना, कितना साथ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन का? पूरा साथ दे रहे हैं हम। दुकानें जिस दिन खोलने के लिए कहे खोलेंगे, जब बंद करने के लिए कहे बंद कर देंगे, गवर्नमेंट के साथ ही हैं।